नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात साहिबगंज की। शनिवार को ईडी ने 5 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में 3 पिस्टल और 2 राइफल मिले हैं। शुक्रवार और शनिवार की छापेमारी में 5,32,00,000 कैश जब्त किया गया है। निवेश और खनन से जुड़े कई कागजात भी ईडी ने जब्त किए हैं। साहिबगंज के 15 कारोबारियों को ईडी ने नोटिस भेजा है। सहयोगी सुधाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, ये बड़ी खबर कि 15 कारोबारियों को ईडी ने नोटिस भेजा, क्योंकि छापेमारी में जो कैश और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अब उसकी तस्दीक जरूरी। जी देखिए, बिल्कुल आपकी, ये कल ही जो ईडी के जो लोग थे वो सब जितने भी लोगों पे छापेमारी की थी शुक्रवार को, सभी के घरों पे जाके और पर्सनली जाकर उन लोगों को, सभी को ईडी का नोटिस थमाया गया है और सभी को समन जारी किया गया है कि आप रांची में आके उसका जवाब तलब होगा और रांची में उसको डेट दिया गया है। लेकिन ये कोई भी अभी बताने, जितने भी जो व्यवसायी हैं जिसको नोटिस मिली है, कुछ भी बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं कि कब बुलाया गया है, कब इसको वहां जाना है। लेकिन जब हमारी टीम ने ईडी के साथ वहां देखा गया कि लोग उसके घर पे पहुंचे हुए हैं और एक कागज हाथ में रखे हुए हैं, नोटिस थमा रहे हैं, तो हमने खबर चलाई कि सभी जितने भी कारोबारी हैं उसको वहां पे बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ जारी होगी। जब से नोटिस थमाई गई है तब से जितने भी कारोबारी है, जिसके पास जहां भी रेड हुआ था, सभी के सभी सहमे हुए हैं और ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब ईडी वहां पर बुला के क्या पूछताछ करेगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुधाकर। तो देखिए, शनिवार को ईडी ने 5 कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान 3 पिस्टल और 2 राइफल बरामद किए गए। शुक्रवार और शनिवार की छापेमारी में 5,32,00,000 कैश भी जब्त किया गया। निवेश और खनन से जुड़े कई कागजात भी ईडी ने जब्त किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।